एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं स्वाति। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ विटामिन ई कैप्सूल की यूज के बारे में, कि आप इसको किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये मेरी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट है, तो इस डे टू डे मैं रिक्वेस्टेड वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जो भी रिक्वेस्टेड आ रहे हैं मैं उनको पूरा कर रही हूँ। डेफिनेटली यार, पूरा करना है, क्योंकि हम लोग यूट्यूबर हैं तो आप लोगों के रिक्वेस्ट तो पूरे ही करने हैं। सो देख लेते हैं कि ये किस किस तरह से यूज कर सकते हो और कैसे यूज कर सकते हो, तो चलो देख लेते हैं। तो उसके पहले फ्रेंड्स, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, और पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करना। सो चलो देख लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं इसको यूज करूँगी अपने लिप्स के लिए, और पहले मैं एक विटामिन ई की कैप्सूल लूँगी और फिर इसे पोक करूँगी। आप चाहे तो सीज़र की हेल्प से भी इसको कट कर सकते हैं, मैंने इस तरह से किया है। और ये बहुत ही चीप है, सो बहुत ही अफोर्डेबल है। ये आपको इजीली कहीं भी मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाता है। और इसको मैं अपने लिप्स पे अप्लाई करूँगी। इसको लिप्स पे अप्लाई करने से क्या होता है कि आपका लिप्स सॉफ्ट एंड स्मूथ रहता है, और आपके लिप्स को मॉइस्चराइज भी करता है। और फिर इसको अप्लाई करने के बाद आप ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक हैंकी की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इसको साफ़ कर लिया है। अब दूसरा मैं इसको यूज करूँगी अपने डार्क सर्कल के लिए। सो मेरे तो ज़्यादा नहीं है, जिनके जिनके हैं उनके लिए है ये। सो इस तरह से मैं अपने हाथों पे निकाल लूँगी और इसका ऑयल, और मैं इसमें ऐड करूँगी कोकोनट ऑयल। आप कोई भी ऑयल इसमें आप इसमें वो बादाम का भी ऑयल यूज कर सकते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल यूज किया है, और इस तरह से मैंने इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स ऐड किए हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसमें कितना ऐड किया है। आपके ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा लीजिए, और आप जितना ऑयल लें विटामिन ई की कैप्सूल की, उतना ही आप इसको भी लें। और इस तरह से मैंने अपने देखिए आइस के नीचे अप्लाई किया है, और अप्लाई करने मैंने आइस के ऊपर भी अप्लाई किया है इस तरह से। और अप्लाई करने के बाद इसको आपको हल्के हाथों से अपने ब्लेंड करना है, और तब तक इसको मसाज करना है 2 से 3 मिनट तक। और फिर आप इसको नाइट में करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ओवरनाइट के लिए अगर छोड़ेंगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। सो इस तरह से मैंने इसको देखिए कैसे मैंने इसको मसाज किया है, और इस तरह से देख सकते हैं आप मैंने किस तरह से किया है। इस तरह से करने से आपके जितने भी डार्क सर्कल रहते हैं दूर हो जाते हैं, और बहुत। और फिर मैंने इसको एक ठंडे पानी से धो के, और फिर मैंने इसको नॉर्मल पानी से धोने के बाद मैंने इसको अच्छे से हैंकी से रब करते हुए मैंने इसको वो कर लिया है। और फिर मैंने यहाँ पे मेरा आता है तीसरा स्टेप के लिए, और तीसरी यूज के लिए सॉरी। सो मैंने यहाँ पे लिया है विटामिन ई के कैप्सूल का ऑयल और एलोवेरा जेल। मैंने यहाँ पे पतंजलि का एलोवेरा जेल लिया है। आप कोई भी ब्रांड का एलोवेरा जेल ले सकते हैं, और ये बहुत ही एलोवेरा जेल भी बहुत ही अफोर्डेबल है। और फिर मैं इसको यूज करूँगी अपने पिम्पल्स के लिए। इस तरह से मैं पिम्पल्स पे इस तरह से अपने लगाऊंगी। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से, मेरे 2-3 छोटे छोटे से हैं, और इस तरह से मैं अप्लाई करूंगी। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से लगाया है। और लगाने के बाद ये आपके पिम्पल के निशान के लिए बहुत अच्छा रहता है, उसको भी ठीक कर देता है, आपके पिम्पल्स को भी ठीक कर देता है। ब्लैक निशान के लिए भी ये बहुत अच्छा है, और ये आपके पिम्पल्स को
ठीक भी करता है। सो इस तरह से मैंने इसको लगाया है और हल्के फिंगर की हेल्प से मैंने इसको इस तरह से, आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसको स्मच किया है थोड़ा सा। और फिर स्मच करने के बाद आप इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दें। तो अब मैंने यहाँ पे उसको भी अच्छे से वो कर लिया है। और फिर मेरा आता है फॉर यूज के लिए, और अब मैं यहाँ पे लूँगी विटामिन ई कैप्सूल का ऑयल। और अभी तक मेरा दूसरा ही कैप्सूल चल रहा है गाइस, तो सोचिए ये कितना अच्छा है। और मैंने इसमें ऐड किया है रोज़ वाटर, ये भी आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है रोज़ वाटर। अगर आप इसमें ऐड करते हो तो वो बहुत ही अच्छा रह रहा है। और विटामिन ई कैप्सूल तो आप जानते ही हैं कि उसमें वो विटामिन ई की कैप्सूल है। सो इसमें मैं रोज़ वाटर मतलब कि मिक्स कर रही हूँ। इसको हम अपने स्किन पर अच्छे से अप्लाई करेंगे मिक्स करके, और 10 मिनट तक छोड़ देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से अप्लाई किया है। और अप्लाई करने के बाद इसको हल्का हल्का मैं इस तरह से, देखिए मैंने अप्लाई किया है, ब्लेंड करते हो। और इस तरह से आप मसाज करने के बाद 10 मिनट तक आप इसको छोड़ देंगे तो आपके पूरे स्किन में ये ऑब्जर्व हो जाएगा। और फिर इसको अपने फिंगर की हेल्प से थोड़े थोड़े से स्मच करके, और आप इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। इस तरह से देख लीजिए मैंने किया है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो आप 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। और इस तरह से देखिए मैंने, मेरे 10 मिनट हो गए थे, और इस तरह मैंने वॉश करके अपने हैंकी से इसको अच्छे से रफ करते हुए साफ कर लिया है। सो अब नेक्स्ट 5 यूज के लिए आता है, आप विटामिन ई कैप्सूल की ऑयल लें। सॉरी ख़त्म हो गया था थोड़ा, ये क्योंकि थोड़ा ही चाहिए। और ये अपने आईब्रो, जिसके आईब्रो कम होते हैं ज़्यादा नहीं होते हैं, अगर वो रेगुलरली इसको रात को लगा के और छोड़ दें ऐसे अपने स्मच करते हुए अपने आईब्रो पे, और फिर उसके बाद ओवरनाइट के लिए आप छोड़ देते हैं, तो गाइस ट्रस्ट मी आपको 1 मंथ या फिर 1.5 मंथ में आपको रिज़ल्ट मिलने लगेगा, क्योंकि ये आपके ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहता है। और इस तरह से मैंने, देखिए मैंने किस तरह से किया है। और इस तरह से करने से आपका बिल्कुल भी वो रहेगा, आपके आईब्रो आ जाएंगे, देखिए मेरे स्किन पे कितना ग्लो नज़र आ रहा है। सो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।